नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, युवाओं ने किया रक्तदान। भागलपुर में फंदे से झूलता महिला का शव संदिग्ध अवस्था में हुआ बरामद। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बाईपास थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाते 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद। गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में बढ़ा उत्साह। भागलपुरी सिल्क से तैयार तिरंगा साड़ी बना आकर्षण का केंद्र। और बांका के भैरोगंज में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता तथा आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गुरुवार को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भागलपुर में भी नेताजी जयंती पर लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया और आज़ादी की लड़ाई में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बिहार बंगाली समिति की ओर से प्रभात फेरी और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गा चरण स्कूल से निकाली गई रैली में काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चे सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा में शामिल हुए। इसके बाद प्रभात फेरी शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। मौके पर बिहार बंगाली समिति के कई सदस्य, स्कूल के शिक्षक और समाजसेवी मौजूद थे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले नाथनगर सुभाष पार्क स्थित नेताजी की प्रतिमा पर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान पप्पू यादव ने नेताजी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में मंच का संचालन रवि कुमार ने किया। मौके पर अशोक राय, चौपाल शैलेंद्र, गिरिधारी लाल, दीपक कुमार, माना शुक्ला, अजय शाह, अरुण शाह समेत काफ़ी संख्या में समाजसेवी कार्यकर्ता मौजूद थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती भागलपुर में कुछ इसी अंदाज में मनाई गई। जगह जगह रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान उत्सव मनाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नेताजी के संकल्प को दोहराया। वहीं दुर्गा चरण स्कूल में रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर अंगदान करने का भी संकल्प लिया। समिति के जयजीत घोष ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष बिहार बंगाली समिति कार्यक्रम आयोजित करती है। वहीं आदर्श रक्तदान उत्सव में मायागंज अस्पताल की टीम काउंसलर सैयद नूर शम्स आफरीन की देखरेख में रक्त एकत्रित किया गया। सैयद आफरीन ने कहा कि रक्तदान से कोई हानि नहीं है, जबकि संस्था के सचिव जयजीत घोष ने कहा कि नेताजी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। मौके पर अधिवक्ता सुनील कुमार, एनुल होदा समेत समिति के कई सदस्य और डॉक्टर मौजूद थे। हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे हर साल बिहार बंगाली समिति भागलपुर की तरफ से एक विशाल आयोजन किया जाता है। हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं पूरा भागलपुर के सारा स्कूल को लेके, और एक जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के ब्लड बैंक की ओर से हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हर साल यहाँ पर 200 यूनिट करीब करीब ब्लड हम लोग रक्तदान को लेके बहुत सारे भ्रम है। आदमी जानते हैं कि रक्त देने से आदमी बीमार पड़ जाता है या बहुत कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ है नहीं। ये सब खाली भ्रम है, जिनको जानकारी नहीं है। रक्तदान देने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये 18 साल से लेके 60 साल की उम्र तक दिया जा सकता है। जो भी स्वस्थ है वो देंगे, उनको देने से फ़ायदा होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटता है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भागलपुर के दल्लू बाबू धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें आरएसएस से जुड़े लोगों ने रक्तदान किया और नेताजी की जयंती को उत्सव के रूप में मनाने की बात कही। मौके पर आरएसएस के हरविंद नारायण भारती, नीरज शुक्ला, बालमुकुंद गुप्ता, प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, कुश पांडे, करण शर्मा, सरोज कुमार समेत संघ से जुड़े कई लोग मौजूद थे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम स्वयंसेवकों को रक्त देने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी शख्सियत जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उसे हम अपना रक्त देकर आज नमन कर रहे हैं। हम उनको आज याद कर रहे हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए युवाओं को संकल्पित करने का काम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा किया जा रहा है। इधर भागलपुर वीएन कॉलेज में भी नेताजी की जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने नेताजी को सलामी दी, वहीं शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने उन्हें नमन किया। मौके पर प्राचार्य नीलू कुमारी, डॉक्टर फिरोज आलम, कृष्ण मुरारी, अमित गोपाल समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र उर्दू बाजार इलाके में महिला का फंदे से झूलता हुआ शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। मृतक महिला की पहचान उर्दू बाजार निवासी अमित सिंह की पत्नी चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही ततारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद ससुराल के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गया। दरअसल जमालपुर नया गांव निवासी अरविंद ठाकुर की पुत्री मृतक चांदनी की लव मैरिज शादी 10 वर्ष पूर्व उर्दू बाजार निवासी अमित सिंह से हुई थी। मृतका के पिता के अनुसार शादी के बाद से ही चांदनी को ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा था। लड़के के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व ससुराल वालों ने चांदनी को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसकी प्राथमिकी ततारपुर थाने में दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि बुधवार की रात पति और ससुराल वालों ने गला दबाकर चांदनी की हत्या कर दी और उसके बाद शव को फंदे से लटका दिया। पड़ोसियों द्वारा मौत की सूचना मिलते ही उर्दू बाजार पहुंचे, जहां उसकी बेटी फंदे से झूलती नजर आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह तो साजिश के तहत हत्या कर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्महत्या की होगी। मैं उसका पिता हूं, अरविंद ठाकुर। 2 फरवरी आज से 10 साल पहले चले जाइए। भागलपुर जिले में अवैध शराब बनाने और बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गुरुवार की सुबह बायपास थानाध्यक्ष को खुटाहा गांव के समीप स्थित झोपड़ी में देसी शराब बनाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष सुनील झा ने छापेमारी कर शराब निर्माण कर रहे महिला समेत 3 कारोबारियों को मौके से दबोच लिया। पुलिस ने 60 लीटर देसी शराब और 200 लीटर कच्ची शराब और शराब निर्माण करने वाले सामानों को भी जब्त किया है। पकड़े गए 3 कारोबारियों की पहचान कुतुबगंज निवासी विजय चौधरी एवं लोदीपुर निवासी परमेश्वर यादव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 3 शराब कारोबारियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है और लोग पिछले 1 सप्ताह से तिरंगा झंडा लेने के लिए उत्सुक हैं। वहीं भागलपुर जिला में खादी ग्राम उद्योग संघ के विभिन्न स्टॉलों से अब तक 10 लाख का कारोबार हो चुका है और कई लाखों का कारोबार गणतंत्र दिवस तक होने की उम्मीद है। इस बार खादी ग्राम उद्योग में कई रेंज और साइज का तिरंगा उपलब्ध है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खादी संघ द्वारा इस बार तिरंगा साड़ी भी बनाया गया है, जो महिलाओं को खूब आकर्षित कर रहा है। खादी ग्राम उद्योग के जयशंकर पंडित ने बताया कि सबसे अधिक डिमांड भागलपुरी सिल्क के कपड़े पर बने तिरंगे की है। वहीं दुकानदार ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यहां का बना तिरंगा पटना के गांधी मैदान में फहराया जाता है। हम आपको बता दें कि भागलपुरी सिल्क पर बने तिरंगे की मांग देश के कई हिस्सों में है। पर्याप्त मात्रा में तिरंगा बना है, जो आप देख भी रहे हैं यहाँ स्टॉल पर, और बन भी रहा है। लगभग 10 लाख का हम लोग बिक्री कर चुके हैं और उम्मीद है कि 10 का और बिक्री होगा। ये 30-45 का झंडा, 36-54 का झंडा, इसका ज़्यादा बिक्री। और सिल्क में साड़ी भी है तिरंगा, उसकी भी बिक्री है। बाका के आनंदपुर ओपी अंतर्गत बाबू महल गांव में 7 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक राजेश हासदा को गिरफ्तार कर बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर पीड़ित बच्ची के नाना के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार को बच्ची अपने घर के समीप खेल रही थी, इसी दौरान आरोपी युवक ने बच्ची का मुंह बांधकर जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं बच्ची की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ये जो घटना है,
एक छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की बच्ची है, पहली कक्षा में पढ़ती है। हमारा आनंदपुर थाना है और वहाँ पर बाबू महल गांव का नाम है। उस बच्ची को साथ में जबरन जो है दुष्कर्म किया है, और जो दुष्कर्म किया है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, और लड़की का मेडिकल कराया जाएगा और 164 के तहत बयान न्यायालय में कराया जाएगा, लेकिन घटना प्रथम दृष्टया सत्य है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे, और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य की सभी दवा दुकानें बुधवार से 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई थी और दवा दुकानदार हड़ताल पर चले गए थे। वहीं सरकार से वार्ता के बाद एसोसिएशन ने बुधवार की देर शाम हड़ताल समाप्त कर दिया। इसके बाद गुरुवार से सभी दवा दुकानें खुल गई। इधर भागलपुर दवा मंडी के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद संघ ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। वहीं बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष घनश्याम दास कोटरीवाल ने कहा कि सरकार अगर वार्ता से पीछे हटेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, जबकि सचिव प्रशांत लाल ठाकुर ने कहा कि मरीजों की परेशानियों को देखते हुए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संघ के प्रतिनिधियों को फार्मासिस्ट की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया गया है। सचिव प्रशांत ठाकुर ने सरकार से फार्मासिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की, साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कल शाम को हमारी मुख्य पदाधिकारी जो बिहार के हैं उनके साथ मुख्य सचिव मिनिस्टर साहब थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, इन लोगों के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका 20 कॉलेज फार्मासिस्ट की खोलने की मान्यता दे दी जाएगी। साथ में जो 262-15 का जो के द्वारा जो निरीक्षण होता था उसको निरस्त करके 35A के द्वारा ही निरीक्षण किया जाएगा, औषधि निरीक्षक के द्वारा। इस आधार पर उनकी मान्यता, जब हमारी वो मांग मानने के लिए तब विवश हो गए तो हम उसको अभी तत्काल के लिए प्रभावित कर दिए गए हैं तोड़ने के लिए। लेकिन अगर वो 3 महीने के अंदर प्रभावित नहीं हुआ तो फिर हम लोग स्ट्राइक करेंगे और इस बार अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे जाएंगे। बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने गुरुवार को जनकपुर गांव स्थित प्रोन्नत मध्य विद्यालय के बच्चों के बीच 125 स्कूली बैग का वितरण किया। वहीं बच्चे भी बैग पाकर काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान मौजूद अभिभावकों को संबोधित करते हुए SP ने कहा कि जनकपुर स्कूल के बच्चों में किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से प्रतिभा कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का प्रयोग स्कूल में हो रहा है, जो बड़े गर्व की बात है। SP ने दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं शराब का विरोध करने की अपील ग्रामीणों से की, साथ ही बच्चों को काबिल बनाने के बाद ही शादी करने की बात कही। इससे पूर्व स्कूली छात्र छात्राओं ने संथाली गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर ASP अभियान, PK उपाध्याय, थानाध्यक्ष नीरज तिवारी, मुखिया छोटन मंडल गौतम दुबे सहित काफी संख्या में शिक्षक और ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के किरणपुर स्थित माउंट जियोन अकेडमी का वार्षिक उत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रेंज DIG सुजीत कुमार, शाहकुंड VDO अमर कुमार मिश्रा, विद्यालय के अध्यक्ष विष्णु सलामपुरिया, निदेशक सुनील वर्मा एवं अमित प्रधान ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इससे पूर्व गाइड ने तिलक लगाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं विद्यालय के NCC कैडेटों ने मुख्य अतिथि रेंज DIG को सलामी दी।
इसके बाद छात्रों ने डांस, नाटक, जिम्नास्टिक की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी। डीआईजी ने कहा कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव बच्चों के प्रतिभा को विकसित करने का अवसर देता है। वहीं वीडियो ने मौजूद अभिभावकों से बच्चों को अवसर देने के साथ उसके गतिविधियों पर भी नज़र रखने की बात कही। मौके पर रंजीत प्रधान, अमित कुमार, मोहित सिन्हा, राखी मिश्रा समेत काफ़ी संख्या में अभिभावक एवं छात्र छात्राएँ मौजूद थे। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में NSS की ओर से आयोजित विशेष शीतकालीन शिविर के सातवें और अंतिम दिन गुरुवार को छात्राओं के बीच डांस एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में सेविकाओं द्वारा प्रस्तुत NSS गीत से हुई। इसके बाद NSS की छात्राओं द्वारा नृत्य और संगीत की शानदार प्रस्तुति दी गई। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि NSS के कार्यक्रम में भाग लेने से छात्रा का सर्वांगीण विकास होता है। NSS के द्वारा समाज और देश हित में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। मौके पर NSS पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, नीलम कुमारी, डॉक्टर अंजू कुमारी सहित कॉलेज की शिक्षिकाएं एवं काफ़ी संख्या में छात्राएँ मौजूद थीं। छात्राएँ वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आती हैं, इसमें कंप्यूटर सिखलाया जाता है और बहुत सारे डिजिटल जो अभी हमारा विश्व है डिजिटाइजेशन की दौर से गुजर रहा है, इसमें हमारी छात्राएं जो पढ़ाई करती हैं उसके बाद उनके प्लेसमेंट का क्या रूप होगा, उनको कैसा जॉब मिलेगा, क्या क्या वो करेंगी जिसके कारण वो अच्छे पोस्ट पर ज्वाइन कर पाएंगी, इसके लिए आज एक काउंसलर को बुलाया गया है, उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाएगी जिससे हमारी छात्राएं लाभान्वित होगी और उनका भविष्य। वहीं मुरारका महाविद्यालय सुल्तानगंज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय कैंप के दूसरे दिन मोटिवेशनल स्पीकर चंद्रशेखरन द्वारा स्वयं सेवक को जल जीवन हरियाली योजना के महत्व और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्तर में काफ़ी कमी हो रही है। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अमरकांत सिंह ने स्वयं सेवक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के फायदे व महत्व को बताया। मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रंजन, डॉक्टर चंद्रलोक भारती, डॉक्टर नागेंद्र तिवारी व राजकुमार राजू मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, युवाओं ने किया रक्तदान। भागलपुर में फंदे से झूलता महिला का शव संदिग्ध अवस्था में हुआ बरामद। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बाईपास थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाते 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद। गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में बढ़ा उत्साह। भागलपुरी सिल्क से तैयार तिरंगा साड़ी बना आकर्षण का केंद्र। और बांका के भैरोगंज में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।